हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल कुकिंग विद सज्जी। मैं हूँ शाश्वति। मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक सैंडविच का रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, जो बहुत ही इजीली आप आपके घर के इंग्रेडिएंट से बना के रेडी कर सकते हैं, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है, जो आपके छोटी छोटी भूखों में आप कभी भी रेडी कर सकते। तो चलिए देख लेते हैं हमारा मसाला चीज़ी सैंडविच। इसके लिए मैंने पहले क्या किया, एक फ्राई पैन ले लिया। फ्राई पैन में मैं पहले थोड़ी सी ऑयल ऐड करूँगी, उसके गर्म होने के बाद मैं थोड़ा सा बटर ऐड कर दूँगी। बटर और तेल एक साथ ऐड करने से क्या फ़ायदा होता है, हमारा जो बटर मैं दूँगी वो बटर जलेगा नहीं। बटर अगर ऐसे यूज़ करेंगे तो जल सकता है, इसलिए पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल दिया, उसके बाद बटर दिया। इसमें क्या होता है, बटर जलने का डर नहीं रहता है। उसके बाद बटर मेल्ट होने के बाद मैंने थोड़ा सा ज़ीरा दे दिया, जस्ट नॉर्मल ज़ीरा। इसको थोड़ी देर गर्म होने के बाद मैं दे दूँगी थोड़ा सा बारीक काटे हुए लहसुन। ज़ीरा और लहसुन जब थोड़ा सा अच्छे से खुशबू छोड़ेगा तब हम नेक्स्ट मसाला ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार एक इंटरेस्टिंग सा रेसिपी होगा, आप जस्ट स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए और ऐसे बना के रेडी कीजिए। देखिए हमारा गार्लिक थोड़ा सा हो गया, उसके बाद मैं थोड़ा सा कटा हुआ गार्लिक, एक मैंने थोड़ा सा ग्रीन चिली ऐड कर दिया, कटा हुआ ग्रीन चिली। उसके बाद कटा हुआ मैंने दे दिया ऑनियन यानी कि प्याज, बहुत एकदम बारीक से काट लीजिए, बड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा मत रखिए क्योंकि सैंडविच के अंदर हमारा जाएगा ये, इसलिए ऑनियन थोड़ा सा छोटे छोटे करके काट कीजिए। उसको थोड़ी देर फ्राई करने के बाद, बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई कीजिए। जस्ट थोड़ा सा पिंक पिंक जब हो जाएगा तब हम ऐड करेंगे हमारा नेक्स्ट मसाला। उसको थोड़ी देर होने दीजिए, बहुत ही अच्छा सा एक खुशबू आएगा बटर के साथ, गार्लिक के साथ और ऑनियन के साथ। उसके बाद हम कटी हुई और जो टमाटर है वो ऐड कर दिया। उसके साथ थोड़ा सा मैंने धनिया के पत्ते यानी कि करियंडर लीव्स ऐड कर दिया। उसके साथ हम थोड़ा सा क्या करेंगे, सॉल्ट दे देंगे क्योंकि हमारा टमाटर जो हमने दिया वो थोड़ा मेल्ट होना ज़रूरी है, इसलिए थोड़ी देर इसको चला लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट मसाला हम ऐड करेंगे। इतना मज़ेदार होता है ना ये सैंडविच, आप एक बार, बोरिंग सैंडविच तो हमने बहुत खाया, एक बार ऐसे सैंडविच बना के खाइए। थोड़ा सा मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर दे दिया क्योंकि मैंने थोड़ा सा ग्रीन चिली दिया, इसलिए ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए हमें सैंडविच, इसलिए मैंने थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर दिया। इसमें कलर भी बहुत अच्छा खुल के आता है, आपको चाहिए तो आप नॉर्मल रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना प्रेफर करेंगे तो। मैंने यहाँ पर ऐड किया भुना, ड्राई भुना मसाला, जो मेरे चैनल में आपको आसानी से मिल जाएगा। ये जो मसाला मैंने दिया ड्राई भुना मसाला, इतना अच्छा लगता है हमारे सैंडविच के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है। ये ऐड कीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो ड्राई जीरा मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा चाट मसाला दे दिया। ड्राई भुना मसाला का रेसिपी मैं आज डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिए और एक बार बना के रख दीजिए घर में। ड्राई भुना मसाला बहुत ही अच्छा लगता है, किसी भी चीज़ में आप ऐड करके खा सकते हैं। हो गया हमारा चाट मसाला, ड्राई भुना मसाला, सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, हमारा मसाला जो सैंडविच का मसाला रेडी हो गया। और एक बात, जब मैंने मसाला फ्राई किया आप उसी टाइम थोड़ा सा चीज़ इस टाइम में ऐड कर सकते हैं, मैं बाद में ऐड करूँगी। मसाले के साथ अगर आपको चीज़ ऐड करना है तो आप थोड़ा सा आँच को उस टाइम बहुत कम कर दिए, एक स्टेप फॉलो कीजिए। मैंने मसाला जो बनाया वो स्प्रेड कर दिया सैंडविच के अंदर, अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, कंजूसी मत कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में जो मसाला रेडी हुआ, क्योंकि इसमें चाट मसाला है, भुना मसाला है, रेड चिली है, बहुत ही अच्छा अमेजिंग सा एक टेस्ट आता है। भर के दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद और एक मैंने ब्रेड ले लिया, हो गया हमारा सैंडविच। अभी नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सेम फ्राई पैन ले लेंगे हम। सेम फ्राई पैन में हम थोड़ा सा इस टाइम ऑयल ऐड नहीं करेंगे, जस्ट इस टाइम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। इस टाइम थोड़ा ध्यान से कीजिए, आँच एकदम धीमे रखिए, नहीं तो बटर जल जाएगा। जैसे मैंने बोला, बटर अकेले रहने से जलने का डर रहता है, इसलिए थोड़ा सा धीमे आँच में कीजिए। उसके बाद हम जो सैंडविच रेडी किया उसी सैंडविच में इसके साथ थोड़ा काम करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला मैंने दे दिया और भी टेस्टी करने के लिए, और थोड़ा सा कटा हुआ कोरिएंडर लीव्स दे दिया। चाट मसाला इस टाइम आप अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आपके पास पाव भाजी मसाला है या कोई नूडल्स मसाला है वो भी दे सकते हैं, अच्छा लगेगा खाने के लिए। मैंने चाट मसाला यूज़ किया और कोरिएंडर लीव्स। उसके साथ मैं थोड़ा सा और कश्मीरी रेड चिली पाउडर दूंगी क्योंकि देखने में थोड़ा सा फीका फीका लग रहा है, इसलिए
कश्मीरी चिली पाउडर देने से, जैसे मैं पहले बोला, थोड़ा सा कलर खुल के आता है। इसे एकदम थोड़ा सा मैंने कश्मीरी चिली पाउडर दे दिया। थोड़ी देर इसको चलाने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो सैंडविच रेडी करके रखा उसको भी इसके साथ थोड़ा सा टॉस कर लेंगे, और कोई काम नहीं, जस्ट इसको टॉस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट बटर के साथ थोड़ा सा क्रंचीनेस आ जाएगा, हो जाएगा हमारा मसाला चीज़ी सैंडविच। और चीज़ ऐड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि मैंने अंदर चीज़ ऐड नहीं किया। एक बार बना के खाइए, मुझे कमेंट करके बताइए बोरिंग सैंडविच से ज़्यादा ये सैंडविच कितना अच्छा होता है। और आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको बाज़ार जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जो जो मैंने मसाला ऐड किया वो सभी मसाला हमारे घर में रहता है। चीज़ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी आप नॉर्मली आप खा सकते। सो ऐसे एक बार खा के मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा। देखिए हो गया, बोथ साइड मैंने थोड़ा सा टॉस कर लिया। अभी ऐड करेंगे थोड़ा सा चीज़। आप लोगों को मेरा रेसिपी कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। जो नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल में, उनके लिए रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल, अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आप लोगों को पता चले मैं कभी कौन सा रेसिपी लेके आई हूँ। मैं मेरा ऑलवेज ट्राई रहता है मैं आपके साथ शेयर करूँ छोटे छोटे रेसिपी, बट बहुत मज़ेदार हो, थोड़ा सा यूनिक हो। सो देखिए मैंने चीज़ ऐड कर दिया, जो मैंने यहाँ मज़ेदार चीज़ ऐड किया। और थोड़ी देर इसको चीज़ को मेल्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, थोड़ी देर इसको सीम आँच करके इसको ढक के रख, क्योंकि ढकने से क्या होगा, हमारा जो चीज़ हमने दिया थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद आपको जो सैंडविच खाने का मज़ा ही अलग हो जाएगा। तो थोड़ी देर, जस्ट 1 से 1.5 मिनट इसको ढक के रख दीजिए। देखिए हो गया हमारा, चीज़ भी मेल्ट हो गया। आपको और थोड़ा चाहिए मेल्टेड चीज़ तो थोड़ी देर और 30 सेकेंड इसको रखिए। मुझे थोड़ा कम मेल्टेड चाहिए इसलिए मैं 1 से 1.5 मिनट रखा, और ऊपर से थोड़ा सा और भी चीज़ मैं ग्रेट करके दे दूँगी। इस टाइम मैं ग्रेटेड चीज़ ग्रेट करके दे दूँगी। आपको नहीं चाहिए तो नहीं दीजिए, बट ग्रेटेड मसाला ग्रेटेड चीज़ी सैंडविच, इसलिए चीज़ तो भर भर के देना अच्छा लगता है ना। और इस बारिश के मौसम में ऐसे थोड़ा सा मसालेदार चीज़ी सैंडविच खाने का मज़ा ही कुछ अलग हो जाएगा। कभी भी आप शाम को छोटी छोटी भूख लगता है, बच्चों को लगता है, हमें भी लगता है, ऐसे चीज़ जो मसाला सैंडविच बना के खाइए। बोरिंग सैंडविच हमने बहुत खाया, तो ऐसे सैंडविच बना के खाइए, देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा खाने के लिए, एक अलग सा एक टेस्ट खोल के आएगा। और एक बात जो मैंने बोला, एक बार मैं बोल देती हूँ, हमारा भुना मसाला का रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप एक बार सैंडविच में डाल के खाइए, देखिए कितना अच्छा लगता है। हो गया, मैंने सर्व कर दिया, देखिए कट के कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, लग रहा है अभी अभी होटल से आया है ना। तो एक बार बना के खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। और एंजॉय द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई मसालेदार नई नई रेसिपी के लिए अगर आपको चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंजॉय द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।